ट्रक ऑपरेटरों का देशव्यापी चक्का जाम का असर जिला बिलासपुर में भी देखने को मिला। जिला बिलासपुर के दोनों सीमेंट फैक्ट्रियों की ट्रक ऑपरेटरों की सोसाइटियों के डिमांड पुकार हाल में सीमेंट ढुलान हेतु गाड़ियां नहीं लग पाई। ट्रक ऑपरेटरों ने अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से नारेबाजी करते हुए भी दिखे। दूसरी ओर सीमेंट की लोड हुई गाड़ियां सुबह सवेरे सड़क पर दौड़ती हुई नजर आईं, जबकि अनिश्चितकालीन चक्का जाम का समय 20 जुलाई सुबह 6 बजे से रखा गया था। दूसरी ओर ऑल हिमाचल ट्रक ऑपरेटर फेडरेशन के निर्णय अनुसार प्रदेश के बागवानों और किसानों के हित को मद्देनजर रखते हुए सेब और सब्जी से भरी हुई गाड़ियां नहीं रुकेंगी, परंतु बागवानों और किसानों को प्रदेश में तो अपनी गाड़ियों को ले जाने में कोई परेशानी नहीं होगी, परंतु बाहरी राज्यों पर इस अनिश्चितकालीन हड़ताल के चलते भरी हुई गाड़ियां सब्जी मंडी तक ले जाने में किसानों और बागवानों की चिंताएं भी बढ़ती नजर आ रही हैं, जिससे वर्ष भर की कमाई मिट्टी में मिल जाएगी। बिलासपुर की दोनों सीमेंट फैक्ट्रियां चक्का जाम के कारण सीमेंट की ढुलाई का कार्य ठप रहा। वहीं एसीसी का 12,000 मीट्रिक टन सीमेंट व क्लिंकर तथा बांगा का 8,000 मीट्रिक टन सीमेंट व की सप्लाई ठप हो गई। ट्रांसपोर्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के चलते हजारों ट्रकों के पहिए रुक गए। इस कारण हजारों मीट्रिक टन सीमेंट ढुलाई का कार्य बंद होने से करोड़ों रुपए का प्रतिदिन के हिसाब से नुकसान सीमेंट फैक्ट्रियों के अलावा सरकारी राजस्व खजाने को हुआ है। ज्ञात रहे कि एसीसी फैक्ट्री से प्रतिदिन 800 से 1000 के बीच गाड़ियों का सीमेंट व किलंकर का ढुलान प्रदेश व पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा के विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। दूसरी ओर जिला के बागा अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री से भी प्रतिदिन के हिसाब से सैकड़ों गाड़ियां अनिश्चितकालीन चक्का जाम की वजह से थम गई हैं। ट्रक ऑपरेटरों ने अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन के लिए देशव्यापी चक्का जाम करने के चलते इस कारोबार पर असर पड़ा है, जिस कारण प्रतिदिन लाखों रुपए के हिसाब से फैक्ट्रियों को भी नुकसान झेलना पड़ रहा है। साथ में ट्रांसपोर्टरों के कारोबार से जुड़े हुए पेट्रोल पंप, स्पेयर पार्ट, ढाबा मालिक व अन्य जुड़े हुए कारोबारियों को भी प्रतिदिन के हिसाब से लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। उल्लेखनीय है कि ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के बैनर तले पूरे देश में ट्रांसपोर्टरों ने अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन चक्का जाम का ऐलान किया हुआ है। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट ने सरकार से डीजल मूल्य में कमी करने, डीजल पर रेट का त्रैमासिक ही संशोधन हो तथा पूरे प्रदेश में एक समान डीजल का मूल्य घोषित हो, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी बंद करने व प्रीमियम पर कमीशन बंद करने वाले और साल में बढ़ेगी प्रीमियम को वापस करने वाले, तीसरे अधिनियम आयकर 44AE को तर्कसंगत किया जाए, क्योंकि इस अधिनियम के तहत 6 चक्का गाड़ी की वार्षिक शुद्ध लाभ 90,000 रुपए की बजाय 1,92,000 रुपए के लगभग करना तो गलत ठहराया। ये जानकारी ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के उप प्रधान भीम सिंह चंदेल ने दी। उन्होंने बताया कि ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के समर्थन में बागा की समस्त सोसाइटियों ने सीमेंट ढुलाई का कार्य देशव्यापी ट्रांसपोर्टर की हड़ताल के चलते बंद कर दिया है। प्रदेश की समस्त यूनियन ने ऑल इंडिया लेवल पर हुई अनिश्चितकालीन हड़ताल ट्रक ऑपरेटरों की समस्याओं की मांगों को लेकर हुई है, जिसमें ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर फेडरेशन ने भी अपना समर्थन देशव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए दिया है। बरमाना सभा ने भी समर्थन किया है और शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांगों को पूरा करने के लिए प्रदर्शन रहेगा और सब्जियों से संबंधित गाड़ियों को नहीं रोका जाएगा। रीजन क्या है? मैं ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर फेडरेशन के राज्य अध्यक्ष के नाते लेखराम वर्मा आज इस ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस जो मित्तल जी ने जिसके अध्यक्ष हैं, मई को जो 2 महीने पहले कॉल दी थी उस अभियान के अंदर ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर चालक परिचालक कर्मचारी और तमाम ऑपरेटर आज इसका भरपूर समर्थन कर रहे हैं। हम बीडीटीएस परमाणा में जो हमारी अपनी बहुत बड़ी यूनियन 4,000 ट्रकों वाली यूनियन है, उसके तमाम एक्स सर्विसमैन और सिविल यूनियन जो है 4,000 ट्रक जो आज बिल्कुल बंद रहेंगे, इसलिए बंद रहेंगे कि वो भी इसकी भर्त्सना करते हैं, विरोध करते हैं कि जब तक डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए, नहीं लाया गया तो हम उसका निश्चित अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे, इसको जीएसटी के दायरे में हर वस्तु की तरह लाया जाए। हम कहते हैं कि इस मांग के लिए इसलिए समर्थन कर रहे हैं कि ये टोल प्लाजा, ये मुगलों की तरह जजिया टैक्स, जो एनपी टैक्स, गुड टैक्स, टोकन टैक्स, तमाम टैक्स गाड़ियों को रोड पे चलने के लिए हम देते हैं और पहले जमा कराते हैं गाड़ी चलने से पहले, तो ये टैक्स टोल प्लाजा और दूसरे टैक्स ये बंद होने चाहिए।
अगर यही नीतियां रही इंडस्ट्री ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में तबाह हो जाएगी। ये राजस्व का ये रीढ़ की हड्डी है, ये देश की अर्थव्यवस्था की ये बहुत बड़ी रीढ़ की हड्डी है, जिसको आज नजरअंदाज कर रही है केंद्र की और हिमाचल प्रदेश और तमाम हिंदुस्तान की राज्य सरकारें। हम इस मांग में कहते हैं, इस मांग को भी आगे ले जा करके ये कहते हैं कि आज जो हड़ताल है ये हमारी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस